Good evening. I'll not say good evening. It's right now 1:30 a.m. I think so. This is especially I'm making a video for Birla Group of Grade 9 as they have exam on 25th May, I think so. I have taught them till 2.4, okay? So I'm guiding you how to solve exercise 2.5. 2.4, I hope it's clear. Exercise 2.5. will be entirely based on how to use the identities. So before moving anything to the new one, or the identities, there are certain identities which you have done in grade 8, like a plus b whole square, a minus b whole square, a plus b into a minus b, and x plus a into x plus b. Okay, so I'm writing first all those identities which you have done in grade 8. So first is a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab. Second one is a minus b whole square, it's a square plus b square minus 2ab. Third one is like a plus b into a minus b is a square minus b square. And the fourth one, x plus a into x plus b is x square a plus b into x plus ab. These are the identities which we have done in grade 8. Now look at one more identity from this, which is definitely going to use again and again. अगर आपसे कोई पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट बनेंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, इसको मैं इधर भेज दे रहा हूं, तो कैसा ये लगेगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर अपनी जगह पे है, राइट? मैंने प्लस टू ए बी को इधर भेजा, तो इधर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आइडेंटिटी लर्न नहीं करना है, ये बनता है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कोई पूछता है, सिर्फ प्लस टू ए बी को इधर ले जाओ. एंड आई होप वी कैन गेट द आइडेंटिटी. तो इसको मैंने आइडेंटिटी नंबर 5 बोला. ये हो गया ग्रेड 8 तक का नॉलेज. अब ग्रेड 9 क्या डिमांड करता है? दिस इज आइडेंटिटी नंबर 6 वी कैन कॉल. ओके, दिस इज द न्यू आइडेंटिटी फॉर ग्रेड 9. ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो वी हैव डन इट. नाउ वी हैव 3 टर्म्स लाइक ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. सिंपल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी. अब कंफ्यूजन दिमाग में कहां आता है कि सर अगर b माइनस हुआ तो c माइनस हुआ तो नया फॉर्मूला लर्न करे? नहीं, क्योंकि आपको पता होगा माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है. जैसे मैंने यहाँ पर b को नेगेटिव माना, कुछ भी लर्न नहीं करना है नया. मूव उसी आइडिया से, देखो ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर लिखा, अंदर में माइनस है, माइनस लगा दिया, लर्न नहीं किया नया. प्लस सी स्क्वायर लिखा, प्लस टू ए बी है, राइट? बी क्या है? नेगेटिव. नेगेटिव वैसे भी ब्रैकेट में रखा करो. प्लस टू बी नेगेटिव इंटू सी प्लस दिस. जब इसको आप खोलोगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज माइनस का बी स्क्वायर हो या प्लस का बी स्क्वायर हो, आपको प्लस ही मिलेगा, राइट? सो जस्ट फोकस ऑन दिस. व्हेनेवर आज के बाद अगर आपको तीन टर्म का स्क्वायर पूछे, तो नाइन्थ स्टैंडर्ड में सिर्फ एक ही ये आइडेंटिटी है जो तीन टर्म्स को जोड़ेगा. अब इनमें से कभी ये मिसिंग होगा, कभी ये मिसिंग होगा, एंड वेल टू द प्रैक्टिस वीक है. सो दिस इज आइडेंटिटी नंबर 6, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. कोई भी नेगेटिव आए सिंपली उसको ब्रैकेट में रखो, फॉर्मूला यही यूज करो, और अपने आप आपको चीजें दिख जाएगी. ओके, दिस इज आइडेंटिटी नंबर. आइडेंटिटी नंबर 7 हमने आपके लिए इसको बना दिया है, राइट? ए प्लस बी होल क्यूब को मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी लिख सकता, राइट? ओके, नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज लाइक दिस इंटू दिस. आई एम मेकिंग यू टू मेक द फॉर्मूला, राइट? नाउ ए स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो आपको ए क्यूब मिल रहा है, ए स्क्वायर बी. फिर बी स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल बी गेटिंग बी स्क्वायर ए बी क्यूब. फिर
2ab को इन दोनों से किया, देखो ए क्यूब आ गया, बी क्यूब आ गया, जो सर्कल किया है वो लाइक टर्म है, आपको दिख रहा होगा सर्कल, तो 3a स्क्वायर भी बन गया, इसको मैंने स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप स्ट्रक्चर में डाला है तो 3ab स्क्वायर हो गया। तो इस आइडेंटिटी को मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूं, और मैं चाहूं तो इन दोनों में मुझे 3ab कॉमन लिख रहा है ये भी यूज कर सकता हूं, दोनों चलेगा, डिपेंडिंग कब क्या जरूरत पड़ रही है। ये था आपका आइडेंटिटी नंबर 7। So this is identity number 8, a minus b whole cube. I can write a minus b into a minus b whole square. A minus b whole square ko maine tod diya. You can see that usi tarah se khola. Teen jagah aapko tick dikh rahi hai, matlab pehla wala bhi use hai, dusra wala bhi sahi hai aur tisra wala bhi sahi hai. Normally aapko book mein pehla aur tisra dikhta hai. To koi bhi difference nahi hai. Plus ki jagah agar main minus common lunga, to andar wale ka sign change ho jayega. लेकिन आप आइडेंटिटी लर्न नहीं करके बना रहे हो तो आपको और आसान लगेगा। a माइनस b होल क्यूब कैन बी रिटन, अगर डायरेक्टली मैं याद करूं तो मेरे को ये कह रहा है ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी a को पहले बोलते हैं इसलिए, और प्लस का 3ab स्क्वायर, इसी में मैंने कॉमन ले लिया। ये आपके डिपेंड करता है कब क्या यूज करें, तो लर्न करने के बजाय बनाया हमने। दिस वॉज आइडेंटिटी नंबर आइडेंटिटी नंबर 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। स्टार्टिंग कंसेप्ट मेरा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, अंदर में तीनों प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, इसी को मैंने और मॉडिफाई किया। अभी अभी आपने ए प्लस बी होल क्यूब देखा था, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, right? मुझे अगर a cube plus b cube चाहिए एक और तरीके से, तो मैंने इसको इधर रखा और इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास a cube plus b cube का एक और आइडेंटिटी बन गया, ये दिख रहा है, और आपने बनाया है क्योंकि आपने सिर्फ इस पूरे को इधर शिफ्ट कर दिया। उसी तरह a minus b whole cube, अभी अभी आपने ये देखा था। Now, मैंने को a cube minus b cube को इस फॉर्मेट में पूछे तो भी मैं तैयार कर सकता हूँ, इनडायरेक्टली 9, 10, वैसे बोल सकता हूँ मैं 11 और 12 भी तैयार हो गया। Now we are moving to the most important identity for grade 9.
a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. Pahli baar. That is a plus b plus c. In one bracket, in another bracket, it is a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. ये हम लर्न करेंगे. हाँ, तीन बार अगर क्यूब दिख रहा है राइट, तो कोई भी आइडेंटिटी अभी तक नहीं आया था, इसमें तीन वेरिएबल क्यूब के साथ था. सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज दिस. इसको यूज कहाँ आता है? सबसे पहले तो इसका यूज आता है कि अगर कभी भी ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो हो गया, कभी भी ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो हो गया, अगर ये जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या हुआ? जीरो हो गया. दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी क्या हो गया? जीरो हो गया. मैंने माइनस थ्री ए बी सी को ट्रांसफर कर दिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हरदम थ्री ए बी सी के बराबर होगा अगर मेरा सम ऑफ थ्री टर्म जीरो हो जाए. ये एग्जाम में आएगा ही आएगा. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया विदाउट एक्चुअल क्यूबिंग. अगर हम ग्रेड फिफ्थ सिक्स के बच्चे होते तो मैं एक बार माइनस ट्वेल्व का क्यूब करता इस एग्जाम्पल में, फिर सेवन का क्यूब करता, फिर फाइव का क्यूब करता और एड कर लेता. अब हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में है तो क्वेश्चन आएगा विदाउट एक्चुअल क्यूबिंग, यू नो आर नॉट सपोज टू डू एनी एक्चुअल क्यूबिंग. अभी जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली आपको कोई देखने नहीं आ रहा आप कैसे कर रहे हो, एमसीक्यू टिक कर रहे हो, तो आपका काम चल जाएगा अगर सिंपल वैल्यूज हुआ जैसे अभी आपको सामने दिख रहा है. लेकिन अगर हम इसको आइडेंटिटी में यूज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तीन बार आज के बाद कभी भी क्यूब दिखे, आई रिपीट, तीन बार आज के बाद कभी भी क्यूब दिखे और चौथा टर्म कुछ भी नहीं है अभी, तो सबसे पहले चेक कर लो इन तीनों का सम कितना है, इनके क्यूब के साथ नहीं सिर्फ इनका. यानी कि ए को यहाँ क्या मान लिया मैंने, माइनस ट्वेल्व, बी को क्या मान लिया मैंने, सेवन, और सी को मैंने क्या मान लिया, फाइव. ठीक है, अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ रहा हूं तो मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस ट्वेल्व प्लस सेवन प्लस फाइव, दैट इज जीरो. बिंगो, राइट, जीरो. जैसे ही जीरो आ गया कौन आया, ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या दिखा दिया मैंने, जीरो. देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो था मैं इसको लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू थ्री ए बी सी, राइट, बिना क्यूब करे. ए क्या है, माइनस ट्वेल्व, बी क्या है, सेवन, और सी क्या था, फाइव. अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लो जैसे करते हैं, दैट इज माइनस 36 इनटू 35. आंसर, आपने क्यूब नहीं किया. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कंसेप्चुअली. आज के बाद अगर आपको कोई भी तीन टर्म क्यूब साइन के साथ दिखे, सबसे पहले चेक करेंगे क्या इन तीनों का सम जीरो है. आई रिपीट, इन तीनों का सम बोला मैंने, इनके क्यूब का सम नहीं बोला. तो जो भी अंदर में है बेस, पावर इंक्लूडेड नहीं, उनमें से एक को ए माना, एक को बी माना, एक को सी माना, वो जीरो आएगा ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, राइट. जीरो आते ही आपका ये आइडेंटिटी यूज में आ गया. तो जो भी आपका ए क्यूब था, बी क्यूब था, सी क्यूब था, वो हरदम किसके इक्वल हो जाएगा, प्राइस ए बी सी. बिना क्यूब किए आपने आंसर निकाल दिया. दिस इज द आउटकम ऑफ दिस स्पेशल आइडेंटिटी फॉर ग्रेड 9. इस आइडेंटिटी को इंक्लूड करके आपका आइडेंटिटी रोल फॉर डूइंग एक्सरसाइज 2.5 इज डन. नाउ बिफोर वी डू समथिंग आई विल ट्राई टू गाइड यू सम ऑफ द क्वेश्चन. सो जस्ट गो थ्रू दिस आइडेंटिटी बिफोर वी कम क्यूब. So here are some questions from exercise 2.5 I've selected for you. This is question number 1, fourth part, right? As you can see that the question is y square plus 3 by 2 in one bracket. Dekho, second bracket may be same values, a sign ulta hai. A ki identity hai, a plus b into a minus b. That is a square minus b square. Yahan galti ho jati hai bahut baar. Jo y ka andar wala square hai, likhna hum bhool jate hai. So please, a aapke paas y square hai. उसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला का डिमांड है, तो आंसर आ गया y रेस टू दी पावर 4 माइनस 9 बाय 4. ये आ गया एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 डन इन ग्रेड 8 आल्सो. 104 इनटू 96 एंड यू आर नॉट अलाउड, नॉर्मली व्हेन यू डू द सब्जेक्टिव पेपर यू आर नॉट अलाउड टू डू
the direct multiplication, you set up an identity. So मैंने क्या किया, base 100 ले लिया, 100 400 से कितना ज्यादा है, अच्छा 9600 से कम कितना है, चार, आ गया अपना फेवरेट आइडेंटिटी। अब देखो सब्ट्रैक्शन का भी एक छोटा सा रूल बताता हूँ, जल्दबाजी में कभी अच्छा से करने का तरीका हो, फास्ट वाला, जब भी 100,000, 10,000 से सब्ट्रैक्शन करना हो किसी को, तो पहला नंबर जो दिखे ना उसको 10 से हटाना, बाकी सबको 9 से। जैसे यहाँ 10 से 6 गया 4, 9 से 1 गया 8, ऑब्वियसली ये 9 बन जाएगा और ये 9, ये आ गया आंसर। अगेन यूज ऑफ ए प्लस बी इनटू ए माइनस, या ना लुक एट दिस, इट इज 9x स्क्वायर प्लस 6x y प्लस y स्क्वायर। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वी हैव डन इन ग्रेड 8, वी हैव डन इन एक्सरसाइज 2.4। तब देखिए जब भी तीन टर्म आपको दिखे एक्सपेंशन का तीन टर्म, तो ये पकड़ लो ये 9th स्टैंडर्ड में हमारे लिए a प्लस b होल स्क्वायर बनना है या a माइनस b होल स्क्वायर। अब मुझे दिख रहा है यहाँ तीनों प्लस है, राइट, तो ये क्लियर हो गया a माइनस b होल स्क्वायर नहीं हो सकता। अब मैं या तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकता हूँ या फिर आइडेंटिटी ढूंढ। तो मुझे दिख रहा है कि 9x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3x का होल स्क्वायर y होल स्क्वायर। मिडिल टर्म में मेरे पास a है 3x, राइट, b है y, चाहिए क्या 6xy। फॉर्मूला में कौन बनता चाहिए और साथ में 2, यहाँ 2 लगाते ही 6xy बन गया। सो दिस इज आवर लुकिंग लाइक आइडेंटिटी इन द फॉर्मेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये किसका एक्सपेंशन होता है, a प्लस b होल स्क्वायर। तो यहाँ a क्या है 3x और b क्या है y, और ये रहा आपका आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 6th पार्ट, राइट, for the first time you'll be seeing the new identity here been used. You can see that there are three terms in the bracket, 1 by 4a minus half b plus 1 ka whole square. And as I guided you in the beginning only, no need to worry about minus, because this is looking like a plus minus b plus c ka whole square. So a square plus b square minus andar hai, plus c square plus 2ab plus 2ab, right, plus 2bc plus 2ca. Now your normal maths, which you can, 1 by 16, this is 1 by 4b square, this is 1. Now you can easily cancel this. So this is, I think so, minus b by 4. Again cancel this. So this is minus b. Again cancel this. So this is प्लस 1/2 आंसर। माइनस देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी वही था, माइनस को ब्रैकेट में डाला, तसल्ली रखा, इजीली किया और आंसर आ गया। फिफ्थ का सेकेंड, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है अभी तक का 2.5 में से, ये आना ही आना है जब भी सब्जेक्टिव पेपर होगा। कल है थ्योरी, राइट, कल है आपका ऑब्जेक्टिव, सॉरी ना, पहली बार आपको तीन स्क्वायर नजर आ रहा है और साथ में तीन टर्म। आपकी एक ही आइडेंटिटी ऐसी थी 9th स्टैंडर्ड में जो इस और लेकर जा सकता है, और वो था ये। माइनस से घबराने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी एक ही फोकस कर, यानी कि इस बार आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म को रिजोल्व करके इस फॉर्मेट में लाना है, राइट, सो हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। सो हम यहां देखेंगे कि क्या 2 किसी का स्क्वायर बन सकता है, तो चैप्टर 1 हमने किया है, बोलेंगे यस, 2 कैन बी रिटन एज रूट 2, x अपनी जगह है, सो ये देखो, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, तो 2x स्क्वायर था, दिस कैन बी, सॉरी दिस वाज द क्वेश्चन लाइक दिस, दिस इज द क्वेश्चन, सॉरी, ओके, सो दिस इज आल्सो लाइक दिस, ठीक है ना, सो 2 कैन बी रिटन एज रूट 2 का होल स्क्वायर और x का स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर। y में कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट है, राइट,
अब जरा 8 को स्क्वायर बनाना है, तो आप बोलोगे सर रूट 8 का स्क्वायर, ट्रू, लेकिन आगे कहीं भी रूट 8 नजर नहीं आ रहा, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देंगे और हम इसको कर देंगे 2 और साथ में लिखा रूट 2, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, सो 2 रूट 2 होल स्क्वायर इज 8, z है ये। इस तरह से हमने 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के फॉर्मेट में तो ढूंढ लिया। अब आगे के तीन टर्म को हमें 2ab, 2bc, 2ca में तैयार करना है। चेक करते हैं, तो देखो प्लस 2 a क्या है, रूट 2x, अभी b दिख रहा है मुझे y, अब हमें यहाँ पर दिख रहा है दो जगह माइनस है, राइट, जहां जहां माइनस है ना हम चेक करेंगे कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हो जिस बंदे के पास माइनस है वहां पर अल्फाबेट x रिपीट हो रहा है, यानी कि इन तीनों में से जो एक नेगेटिव है वो कौन है, ये है, तो हम इसके आगे आसानी से माइनस लगा देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तरीके से तो हम माइनस को वैसे भी ब्रैकेट में प्रिपोर्ट करते हैं, और ये रहा इसका ब्रेकअप। उसी तरह दूसरा क्या है 2bc और तीसरा क्या है 2c और ये रहा 10। अब जरा इन तीनों को चेक करते हैं, इन तीनों से मैच कर रहा है क्या, तो देखो 2 माइनस रूट 2 एक्स वाई इज इट दिस वन, यस, 2 2 4 रूट 2 वाई जेड मैच कर गया, यस, 2 2 4 रूट 2 इंटू रूट 2 2 4 2 8 माइनस आ चुका एक्स जेड, यस। यानी कि ये जो क्वेश्चन था ये किसका एक्सपेंशन मोड में था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप बता दोगे यहाँ a कौन है, ये रहा a, ये रहा b और ये रहा c का होल स्क्वायर। आराम से इसको देखो, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप पहली बार इस तरह के क्वेश्चंस करोगे 9th में, so take your time, it was an expansion of a very new identity, error होता है minus वाले में, हमने तरीका बताया, आप पहले check कर लेना जो तीन term है square के अलावा, उनमें से अगर minus दिख रहा है तो definitely ये कोई alphabet repeat हो रहा होगा जिसमें minus है, अगर मैंने वो पकड़ लिया तो identity use करना simple होगा। ये था 5th का second. Now, 6th का थर्ड, अब आता है आइडेंटिटी का यूज a प्लस बी होल क्यूब। एज यू कैन सी दैट इट इज वेरी क्लियरली मेंशन 3/2x + 1 का होल क्यूब, सो इट इज लुकिंग लाइक a प्लस बी होल क्यूब, व्हिच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस बी, ब्रैकेट खोल दोगे तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² जैसा दिखा, ये रहा आपका a क्यूब, ये रहा b क्यूब, 3a² b 3ab² सिंपली आपने खोल दिया, इसको 9 3s are 27/4 x² लिख सकते हैं आंसर। दिस इज द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ a प्लस बी होल। 7th का 3rd, अगेन एन आइडेंटिटी यूज, 998 होल क्यूब, इफ यू आर इन ग्रेड 4 5 6 वी शुड हैव डन 998 × 998 × 998, वी आर इन 9th यूजिंग आइडेंटिटी, 998 कैन बी रिटन एज 1000 - 2, सो a क्यूब प्लस it will be inside, no issues, so I'm looking like a cube plus b cube plus 3a² b and plus 3ab² so 3 9 8, obviously this will be this and this will be this, and when you sort out you get this, so this is again an application of identity. Now for the first time you will be seeing the expansion of a plus b whole cube or a minus b.
अब देखो एक चीज तो क्लियर था कि प्लस वाले केस में a प्लस बी होल क्यूब में a क्यूब था प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b था प्लस 3ab होल स्क्वायर, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये प्लस वाला बंदा नहीं। अच्छा a प्लस b होल स्क्वायर ये नहीं है, ये भी क्लियर है बिकॉज़ a प्लस b होल स्क्वायर कितना टर्म देता था एक्सपेंशन में, 3। यहां पावर कितना है 3, इसलिए एक्सपेंशन में कितना टर्म होगा, 1 ज्यादा 3 प्लस 1 4, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये क्यूब का गेम है नहीं, राइट। अब कैसे पकड़े, तो ये तो साफ दिख रहा है मुझे, दिस इज 3p होल क्यूब प्लस नथिंग टू वरी, अंदर 216 मुझे अगर आता तो मैं कह देता यस, राइट। ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, फॉर्मूला आगे क्या कहता है, 3a² और ये रहा b, और एक बार 3a और b का होल स्क्वायर। अब देखिए अपन ने जैसे स्क्वायर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के एक्सपेंशन को ढूंढा था ना, ए क्यूब मिल गया b क्यूब मिल गया, अगर ये दोनों बंदे 3a² b और 3ab² में सेट हो गए तो क्लियर हो गया कि ये a माइनस b होल क्यूब का बंदा है। तो चेक कर लेते हैं इसको, देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको, इसको मैं खोल रहा हूँ, हाँ सो 3 × 3 × 3 × b² माइनस तो आएगा ही, और नीचे कौन है 6, सो आपके पास क्या आ गया, देखिए माइनस 9/2 p² आ गया, ये मैंने काटा, ये देखिए माइनस 9/2 p² इस बंदे ने दे दिया। अब इसको देखें 3p माइनस का स्क्वायर प्लस 1/6 × 6, 3 × 3 = 9, 4 = 36, इज इट p/4 मैच कर गया, यस। सो दिस इज एन आइडेंटिटी एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि डेफिनेटली आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे 3p, अगर आप बोलोगे सर प्लस बोला, बिल्कुल प्लस लगाइए, लेकिन आपका बी क्या है ऐसा है, फिर आप ऐसे लिखोगे, दैट इज 3p − 1/6 का होल क्यूब, सो ए माइनस बी होल क्यूब यही होता है ए क्यूब, ऑब्वियसली प्लस माइनस माइनस बी क्यूब। तो आपने आइडेंटिटी को यूज करना सीख रहे, राइट। या नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ओके, दिस इज सिंपली आस्किंग यू वेरीफाई करो, x³ − y³ ये होता है, वेरीफाई करो, हमने RHS को सॉल्व किया, एक बार x को x² + y² + xy से मल्टीप्लाई किया, एक बार माइनस y, आपको दिख रहा है बड़े आसानी से, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे प्लस xy² − xy² कैंसिल आउट, प्लस x²y − x²y कैंसिल आउट, यू आर लेफ्ट आउट व्हाट यू आर रिक्वायरिंग एंड हेंस वेरीफाई। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एज पर आइडेंटिटी यूज, पहली बार आपको 3 क्यूब दिख रहा है और चौथा टर्म भी दिख रहा है, और हमारे सिलेबस में एक ही आइडेंटिटी था जो इस और ले जाएगा, और वो था a³ + b³ + c³ − 3abc। कहने का मतलब है अगर ये वाला क्वेश्चन इसमें सेट हो गया तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, a+b+c² + b² + c² − ab − bc और − ca, राइट। चेक करें, सो डेफिनेटली 27x³ इज नथिंग बट दिस इज दिस। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ। अब अगर चौथा टर्म क्या बनना चाहिए यहाँ, 9xyz, और आइडेंटिटी के हिसाब से ये कौन होना चाहिए, 3abc। सो अपने पास ये देखिए, नाउ माइनस आइडेंटिटी इज डिमांडिंग यू −3 × 3x × y × z, ये रिक्वायरमेंट था आपका। अब इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको 9xyz मिल रहा है,
यानी कि ये किसकी आइडेंटिटी हो गई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी। यहाँ पर ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, राइट, रिक्वायर्ड। फॉर्मूला में क्या चाहिए था, माइनस थ्री। माइनस थ्री को जब इनसे मल्टीप्लाई करा तो हमारा फोर्थ टर्म मैच कर गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ए कौन है, थ्री एक्स, ये देखिए बी, ये देखिए सी, इधर आ जाइए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज दिस, दिस इज दिस। माइनस ए बी को बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो और इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। ये हो गया आपका आंसर। दिस इज कॉल्ड अगेन एक्सपेंशन। आइडेंटिटी दिख रहा था मुझे, मैंने उसको एक्सपेंड किया। आज के बाद अगर कभी तीन क्यूब दिखे, जैसे मैंने आपको अभी बताया था थोड़ा देर पहले, अगर सिर्फ तीन क्यूब में रुकेगा ना तो नाइन्थ स्टैंडर्ड बच्चा बी फोकस, हम तीनों क्यूब को यूज कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे बेस पावर को, भूल जाएंगे। क्या बेस तीनों टर्म का सम जीरो है, दैट इज अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो इसी आइडेंटिटी का एक रूप देखा हमने, वेयर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल्स टू थ्री ए बी सी। लेकिन यहाँ पर तीन के साथ चौथा टर्म था और चौथा टर्म थ्री ए बी सी में सेट अगर हुआ, देन आई हैव ओनली दिस आइडेंटिटी विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी कैन बी रिटन एज a plus b plus c in one bracket, and a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Hope you are understanding that. So now this is one of the very good question for subjective paper. Subjective. आपको दे दिया x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, ये और ये बराबर दिखाना है, right? Verify करना। मैंने RHS को disturb किया। RHS में क्या दिख रहा है आपको, half x plus y plus z, और अंदर में आपको दिख रहा है, मैंने अंदर वाले ब्रैकेट को तोड़ दिया, a minus b whole square आपको आसानी से दिख रहा होगा, फिर y minus z को तोड़ दिया और z minus x को तोड़। ध्यान से देखो सेकंड ब्रैकेट को, आपको x square कितनी बार नजर आ रहा है, दो बार, y square दो बार, z square दो बार, xy दो बार, yz दो बार, zx दो बार, मैंने दो कॉमन दे दिया, ये दो से दो कट गया। अब आ जाओ, आपकी आइडेंटिटी नजर आने लग गई। इट इज लुकिंग लाइक x plus y plus z in one bracket, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx can be written as, I hope you know this now, hence it's verified with the LHS partner, that's why we say it is verified. Question number 13, if x plus y plus z zero, बहुत बार थ्योरी पेपर में आएगा, देन आपको शो करके दिखाना है x cube plus y cube plus z cube is equals to minus 3xyz is equals to, sorry, 3xyz, ठीक है? ये given है, मैंने इसको use किया, plus z को उधर भेज दिया, मुझे दिख रहा है cubing का game है, cubing both sides किया, a plus b whole cube की identity लिखी, x plus y है मेरे पास minus z है बैठा दिया, bracket खोला तो x cube मिला, y cube मिला, minus 3xyz मिला, और ये रहा आंसर के नजदीक पहुंच गया। देखो माइनस जेड क्यूब को इधर भेज दिया और माइनस थ्री एक्स वाई जेड को इधर भेज दिया, जो आपको प्रूफ करना था रेडी हो गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इट्स योर क्वेश्चन फॉर सब्जेक्टिव पेपर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑलरेडी मैंने बता चुका था, फिर भी एक बार आप लोगों के लिए ले लिया। आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है तीन क्यूब, और हमने आपको बता दिया कि आज के बाद अगर कभी तीन क्यूब दिखे, सिर्फ तीन क्यूब, तो सबसे पहले उनके बेस को ऐड कर लो, पावर को भूल जाओ। देखो मैंने ऐड किया, अपना फेवरेट आ गया जीरो, जब भी a plus b plus c zero हो, then a cube plus b cube plus c cube is always equals to 3abc, right? What is a here? 28 cube, right? b minus 15 whole cube and c is minus 30 whole cube, that is thrice a b. See, this is the way to attempt your subjective paper. In an objective paper, जैसे आपको तीन बंदा दिखे, तो definite समझ लेना, orally दिख रहा था मुझे zero, तीनों को multiply कर देना और साथ में three से भी, फिर finally multiply कर देना, your answer is there. हम question number 14 पहुंच गए हैं, रात के 2:45 हो गया है। Now,
He's asking you area, indirectly splitting the middle term. आपको area दे दिया है और length और breadth पूछ रहा है, sorry. Okay? So हमने यहाँ से आपको एक और जादुई चीज सिखा रहा हूँ, splitting the middle term का shortcut trick. Clear हो तो very good, नहीं तो आपको traditional method आता होगा, वो भी देख लेंगे. Trick क्या है देखो, पहला और तीसरा पे focus करो और middle लाने की कोशिश करेंगे. 25 के दो factors सोचते हैं. आप बोलोगे सर 1 और 25 डन, दूसरा 5 और 5 डन. मैंने इधर ले लिया 5 और 5, ए स्क्वायर है, एक ए इधर, एक ए इधर, ठीक है. इधर कौन है थर्ड टर्म, 12. 12 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन सोचो, एक आएगा 1 और 12, इसको भी ध्यान रखना मुझे ये लाना है. हाँ, एक आएगा 2 और 6, एक आएगा 3 और 4. मैंने 3 और 4 किस लिए लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा था, ये प्रैक्टिस से क्लियर होता है कि 5 4, ये देखो इसको कहते हैं इसके बाद क्रिस क्रॉस मैजिक विपन, राइट. अब आप देख लो 5 × 4 20 है, 5 × 3 15 है. मिडिल में साइन क्या चाहिए, माइनस, और मिडिल वाला कैसे आता है, दोनों का ऐड करके, तो दोनों बंदों को माइनस दे दिया, ये दिख रहा है माइनस साइन और ये रहा माइनस साइन, बस आपका गेम हो गया. एक फैक्टर आपका आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया 5a-3 और एक आ गया 5a-4, आंसर भी आ गया. ये है मेरा जादुई ट्रिक, जिसका वीडियो बाद में मैं बनाऊंगा, फिलहाल आपको बताया, क्योंकि जब आपको एमसीक्यू स्टाइल पेपर देना है तो आपको आंसर निकालना आना चाहिए. हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म के दो पॉसिबल फैक्टर, थर्ड टर्म के दो पॉसिबल फैक्टर, ये जो एरो के ऊपर माइनस और नीचे माइनस यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि मिडिल टर्म माइनस में था और प्रोडक्ट जो दिख रहा है फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट वो प्लस में 300 आना चाहिए, वो भी आ रहा है माइनस माइनस प्लस. 15 × 2 = 320, राइट. 15 × 20 = 300 और ऐड करने पर माइनस 15a और माइनस बी से माइनस 35a. ये मेरा जादुई ट्रिक था फॉर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. आपके 3 से 4 स्टेप्स बच जाते हैं. अगर क्लियर तो वेरी गुड. दिस वाज, अब आपसे पूछा क्या था, लेंथ और ब्रेथ बताइए, तो पहला ब्रैकेट को लेंथ बता दीजिए और दूसरा ब्रैकेट को ब्रेथ बता दीजिए. एग्रीड, ठीक है, ट्रिक को ध्यान रखना. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15. सो बिरला ग्रुप आई हैव ट्राइड, मैं सेकेंड लॉट आज नहीं ले पाया था बिकॉज हम गेस्ट वर देयर, बट आई एम कमिटेड, आई एम ट्राइंग. मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, आपको लिंक भेज दूंगा अभी, होपफुली इट कैन हेल्प यू फॉर दिस एमसीक्यू. ओके आर्यन सर, नव्या मैम एंड ध्रुव, राइट. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम दिया हुआ, इस बार वॉल्यूम, पहले वाले में एरिया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आई होप लेंथ ब्रेथ हाइट. यानी कि आपको 3 आंसर मिलेंगे, 3 ब्रैकेट मिलेगा. सबसे पहले इसको देखो, जैसे मैंने बताया था स्प्लिटिंग करना है या आपको आइडेंटिटी ढूंढने, सबसे पहले देखो कुछ कॉमन है. आप बोलोगे यस, अल्फाबेट में सर के कॉमन है, ले लीजिए. नंबर में भी कुछ कॉमन है, देखो 12 8 20, आई होप इतना तो आप जानते हैं, 4 के टेबल में आता है, 4 भी ले लिया. यहाँ बचा 3y², यहाँ बचा 2y, आई थिंक सो, और यहाँ बचा 5. एग्रीड, कोई गलती नहीं होनी चाहिए. हाँ, तो ये रहा आपका पहला आंसर. मैं कह सकता हूँ मेरा लेंथ आ गया. अब आप स्प्लिट करोगे तो आपको 2 और ब्रैकेट मिलेंगे. फिर से मेरा ट्रिक से ट्राई करते हैं. ओके, तो 3 के पॉसिबल फैक्टर कॉम्बिनेशन 2 ही है, ये ले लो. 5 के भी 2 ही कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट. क्या क्या लेना चाहोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैंने 1 लिखा, राइट, यहाँ मैंने 5 लिखा. अब देखो 5 थोड़ा नीचे चला गया स्क्रीन से, बस ये 1 लिखा मैंने, ये 3 लिखा, 5 के ऑप्शंस मुझे क्या मिल रहे हैं, तो 5 के ऑप्शंस मिल रहे हैं मुझे 1 और 5. अब आप बोल सकते थे सर 5 को ऊपर क्यों नहीं रखा, बिल्कुल सही है. तो अगर मैं 5 को ऊपर रखता
ये और ये क्रॉस होता है राइट, तो मुझे दिख रहा था अगर मैं 5 यहाँ रख देता तो 3 5 15 आता और ये 1 1 1 15 और 1 किसी भी तरीके से मुझे मिडिल टर्म 2 नहीं देता। ठीक है, अब देखिए आपको एडिशन में प्लस चाहिए और प्रोडक्ट में माइनस, तो आपको पता होगा कि अगर एक बंदा प्लस है और दूसरा बंदा माइनस है और प्लस अगर बड़ा है, प्लस अगर बड़ा है तो मिडिल टर्म तो प्लस में आ जाएगा और प्रोडक्ट इसका हरदम माइनस में आएगा। तो ये एरो लगा दिया, इधर आपके पास आया 3y, am I clear? और इधर आपके पास आया 5y। अब आप खुद सोच सकते हैं किसमें माइनस जाना चाहिए, नीचे या ऊपर? Obviously नीचे, ये देखिए नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो एक ब्रैकेट क्या आया, y प्लस 1 आया और दूसरा ब्रैकेट क्या आया, 3y माइनस 5 आया। तो इसको ब्रेथ मान लिया, इसको हाइट मान लिया और ये रहा आपका लेंथ आंसर। होप विथ ऑल दिस पॉसिबिलिटीज राइट व्हाट आई हैव ट्राइड विथ यू, दिस आर व्हाट द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन आई कैन से। नाउ जिनका एग्जाम है नहीं है कोई भी इसको देख सकता है, ये 2.5 और चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, एक्स्ट्रास बाद में देखेंगे। एंड जिनका कल यानी कि आज ही हो गया अब, सो बिरला ग्रुप विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट, आई होप विद दिस एफर्ट आप तीनों अपने बिरला के टॉपर बनोगे। ओके देन विद दिस आई यू ऑल नो दैट धीरज सर फ्रॉम प्रगति क्लासेस थैंक यू एंड नाउ इट्स गुड मॉर्निंग अबाउट टू बी गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट बिरला ग्रुप, थैंक यू।